ที่ผู้ขามเลยคุณได้आज की इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी आज ये रेमन डांगर गैदरिंग जामापुरा मानु मजते मोलन किलो थागा चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नेफ्यू रियो जी मेरा भाषण का अनुवाद कर रही है वो राज्यसभा की सांसद कोन्या जी मला स्पीच ट्रांसलेट करले होती थागा मला दिखलो सांसद पार्लियामेंटेरियन कोन्याक जी ईएनपीओ के अध्यक्ष जिन्होंने अभी अभी ईएनपीओ के द्वारा चुनाव का बहिष्कार वापस लेकर डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथ किया है ऐसे संता जी मोलो दिखलो थका ये दे ईएनपीओ का प्रेसिडेंट और लीडर्स खान कुन डिसाइड करी नहीं जा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्टिसिपेट करोगना इलेक्शन दे एब्सेंस करोगने लगा तान रिवोक करी ना आई ना से सभी लोग इनके लिए ताली बजाकर स्वागत करो कोन्याक यूनियन के अध्यक्ष श्री टिंगथॉप कोन्याक जी कोन्याक यूनियन प्रेसिडेंट टिंगथॉप कोन्याक सभी लोग ताली बजाइए भाई हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री ऋतुराज सिन्हा जी हमारा नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी इंडिया ऋतुराज सिन्हा जी श्री नलिन कोहली राष्ट्रीय प्रवक्ता और नागालैंड के प्रभारी श्री नलिन कोहली स्पोक्स पर्सन और नागालैंड इंचार्ज श्रीमती टी रोंग उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती साचुला रोट्रोंग वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा नागालैंड और श्री नागमोहन पास्टर यहाँ पर जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और श्री नामो पास्टर के भी से खुद हमान गढ़ यदि प्रे गुरु दीजिए और आज के कार्यक्रम में आए हुए हमारी 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी प्यारे भाइयों बहनों आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम और यदि आई ना जमा होना था 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हमारा कोई भाई का अपने सब के मला रिस्पेक्ट दिए से आज मैं मॉन टाउन में मेरे जीवन में पहली बार आया हूं और रात को आप लोगों के साथ रुक कर जाने वाला हूं अजी मोए मला लाइफ द फर्स्ट टाइम मोंदे आईशे और आज रति अपने आनो थकी ना जाबोले से और मैं हमेशा से जब से पार्टी का अध्यक्ष बना और बाद में गृह मंत्री बना नागा समुदाय के जीवन जीने की पद्धति और उनके मजबूत चरित्र को गर्व से देख रहा हूँ और मोई की जब बीजेपी ला प्रेसिडेंट हो शे और इधर पीछे दर यूनियन मिनिस्टर हो शे नागा खान अमाहन मानु लागा कल्चर ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहा साइक ना है ऐसे नागा समुदाय में विशेषकर महिलाओं का जो सम्मान है उसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है नागा सोसाइटी रे माइकी खान के किन अगर रेस्पेक्ट दिया से इतु पूरा कंट्री दे मानुवत एप्रिशिएट करिए से और इसीलिए हमने श्रीमती कोन्याक को नागालैंड का सबसे पहला महिला मेंबर पार्लियामेंट बनाने का काम किया है अरुण बर्ने मोहन मोहिगे फंगन कोन्याक बगत फर्स्ट बीजेपी राज्यसभा एमपी बनाउले तहन काम करिजे ईस्टर्न नागालैंड का ये हिस्सा एक जमाने में नेफा का हिस्सा हुआ करता था और आप लोगों की देशभक्ति के गुणगान पूरा हिंदुस्तान उसको सलाम कर देखता है ईस्टर्न नागालैंड लगा इतु जगह तो पहला नेफा लगा अंदर दे था किसे और इतु टाइम दे अपने हाँ इतु कंट्री करने की सेक्रिफाइस करी थी इतु कंट्री पर अपने सब के सैल्यूट करिए से मित्रों मोदी जी ने समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति और विकास का नया युग शुरू किया है सती खान मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बरा पूरा नॉर्थ ईस्ट करने पीस और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करी ना से हमने
ब्रु रियांग के साथ समझौता किया मोहन ब्रु रियांग लगा इशू दे तहन और सॉल्यूशन आनिशे सालों जून पुराने बोडो समस्या का समाधान किया पिछले साल पुराना बोडो लगा इशू भी सॉल्व करिशे कार्बी आंगलों का शांति समझौता किया कार्बी आंगलों लगा पीस सेटलमेंट आनिशे और मैं जरूर आज समग्र नागालैंड की जनता को कहकर जाता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि नागालैंड की पीस टॉक सफल हो और वर्षों पुरानी नागालैंड की समस्या का भी जल्द से जल्द समाधान हो और आज मोय गोले मोना से पूरा नागालैंड गाने जे सॉल्यूशन की है से इतु पारा तक जल्दी आनी ना सेटलमेंट आनी रे कुरी है से और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय नागालैंड की सभी इमोशन से अवगत है आपके सम्मान के साथ इस समझौता करने के लिए हम आगे वार्ता करेंगे और मैं अपने हन के खोता दी बोले मोने से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यदि होम मिनिस्टर पूरा तहन काम करी ना अपने हन लोग रेस्पेक्ट दिखना इतु सॉल्यूशन दो जल्द आने बोले कुरिया से मित्रों ईएनपीओ के साथियों ने कुछ समय पहले इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान किया था सतीखान ओलप दिन आगे दे ईएनपीओ खानरा इलेक्शन दे तहन पार्टिसिपेट नुगुरबो इना डिसीजन लोगिना थगिशे बहिष्कार के कारण भी योग्य थे बॉयकॉट कुरबो वाला की रीजन थगिशे तू तो होसा थगिशे मगर हमने ईएनपीओ के साथ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ चर्चा की उनकी मांगों को समझा है और मैंने विश्वास दिलाया है कि चुनाव के बाद रियो साहब के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनेगी हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे प्रॉब्लम खान पूरा डिस्कस करी ना इजा अमाला सीएम लोग गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट लोग डिसाइड करना इजा पूरा इतो अमाला इश्यूज तो सॉल्यूशन दिवले डिसीजन लोगी ना से इलेक्शन पिछले चाहे वो बजेटरी प्रोविजन रिलेटेड हो चाहे यहाँ की काउंसिल को अधिक अधिकार देने हो चाहे यहाँ के विकास में हिस्सेदारी पूरे नागालैंड में बरोबर हो इस सभी चीजों का समाधान भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी की गवर्नमेंट लाएगी आरो इतुदे बजट लगा अलग प्रोविजन आरो पिछले जमाला रिप्रेजेंटेशन आरो ओवरऑल डेवलपमेंट ईएनपीओ रे लगा तले साइड बोले से इसलिए मैं ईस्टर्न नागालैंड के सभी भाइयों बहनों को कहकर जाना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके साथ है रियो जी ने भी कहा है कि जो कुछ चर्चा के बाद तय होता है इसमें वो साथ देंगे तो अब आपकी समस्याओं का समाधान बहुत दूर नहीं है इतु और मैं अपने सब के इतु विश्वास दिवले मन से कि इतु लगा सॉल्यूशन तो किया से दूर न है इजा मान लो ऑनरेबल सीएमपी से सब मिलकर इतु सॉल्यूशन दिवले अपने के दिवले मन से खता मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्रों में 70% हिंसा में कमी लाए हैं इजा मोदी जी लगा गवर्नमेंट में पूरा नॉर्थ ईस्ट से 70% इजा इंसर्जेंसी प्रॉब्लम कम करी ना से और हमने अब सपा का क्षेत्र भी कम कर 60% नॉर्थ ईस्ट को इससे मुक्त कराया है नागालैंड में भी 7 जिले के 15 पुलिस स्टेशन 15 पुलिस स्टेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट उनको हमने इससे मुक्त कराया है अरो मोहन आफ्सपा नॉर्थ ईस्ट पर 60% हटाई से नागालैंड प्रवीण 7 डिस्ट्रिक्ट पर 15 पुलिस स्टेशन पर हटाई से
थोड़ी देर मित्रों, कांग्रेस पार्टी समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर मार्जिनलाइज हो चुकी है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और सार्वजनिक जीवन के स्तर के लिए जो लोग चिंता करते हैं, वो सभी के लिए चिंता का विषय है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता है। जिस प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन में खुशहाली लाई, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करी, देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करा और दुनिया भर में जिस प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। मित्रों, मैं नागालैंड की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, हम सब ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते, परंतु मत का अधिकार हमारे पास है। एनडीए अलायंस को आप मत देकर ये भाषा का विरोध जरूर कर सकते हैं, उनको जरूर ये बता सकते हैं कि राजनीति के अंदर इतने नीचे स्तर पर गिरने का परिणाम क्या होता है। और साथीगण, मोई गोबले मोने से राहुल गांधी के भी रिमाइंड गोबले मोने से कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लोग इना खोता चला दो कंट्री पर तहन लोग जवाब दिया से बैलेट बॉक्स से दिखना जवाब दिया से नागालैंड था मानु उनके भी गोबले मोने से कि इना वर्ड अमाना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लोग चला दो सब मानु रही तो अपोज कर लगे। मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपीस का खर्च होता था और मोदी जी ने इतने ही समय में 7 लाख करोड़ रुपीस का खर्च कर पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम किया है। पहला कांग्रेस का गवर्नमेंट टाइम दे 5 साल दे तहन 2 लाख करोड़ से गला फैला से पूरा नॉर्थ ईस्ट करने फिर भी इंडिया मोदी जी का गवर्नमेंट दे 7 लाख करोड़ फैला से और पूरा नॉर्थ ईस्ट दे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी से। इन 2009-10 नागालैंड को 1300 करोड़ रुपीस कांग्रेस ने दिया था और इन 2022-23 1300 करोड़ को बढ़ाकर 4800 करोड़ रुपीस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। 2009-10 में नागालैंड कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ एकला दिशे बोली भी जब 2022-23 में इजा मोदी लगा गवर्नमेंट ने 4800 करोड़ डिबले डिसीजन लेना है। और मित्रों,
नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अकाउंट नहीं थे। मोदी सरकार बनने के बाद 3.50 लाख परिवार के बैंक अकाउंट खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नागालैंड ने पुस्ती पुस्ती जगह ने बैंक खान थाने उल्मी मोदी गवर्नमेंट आएगी ना 3.50 लाख बैंक अकाउंट खोली दीजिए। 100 साल के बाद नागालैंड में सोखुवी में रेलवे स्टेशन के रूप में धनसारी सोखुवी रेलवे लाइन शुरू कर नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। पहला अंग्रेज बनाकर गए थे, दूसरा मोदी जी ने बनाया है। 100 ईयर्स पीछे नागालैंड के सेकंड रेलवे स्टेशन मोदी जी लगा गवर्नमेंट बर बनाई से पुला बुना वाला दो ब्रिटिश गवर्नमेंट बर पूरी से उल्लिखित इतिहास धनसारी सुखुवी लगा सेकंड रेलवे स्टेशन नागालैंड मोदी जी लगा गवर्नमेंट बर पूरी से और नागालैंड में 4,126 करोड़ रुपये से 266 किलोमीटर का 15 नेशनल हाईवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया है। और नागालैंड ने 4,126 करोड़ 266 किलोमीटर बनाई ना 15 नेशनल हाईवे बनाने के बीजेपी गवर्नमेंट बड़ा अप्रूव करना है। और 53 इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है और रियो जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 53 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इजे बीजेपी लगा सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा अप्रूव करना से और इतु चीफ मिनिस्टर रियो लगा गवर्नमेंट बड़ा आगे ले जाए से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 14 लाख पीपल को 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में मुहैया किया जा रहा है। और यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बड़ा 14 लाख मानुगे तहन की मदो खालहन पाया से। मैं रियो जी को बधाई देना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन जो मोदी जी ने शुरू किया इसका पैसा केंद्र से भेजा, उसमें 2.18 लाख फैमिलीज को नल से जल का कनेक्शन प्रस्तावित है और देने का भी शुरू हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रियो के भी से इधु हर घर जल इतुला प्रोग्राम दे 218 लाख घर पहुंचाई दी गिना से। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लोगों को 5 लाख तक की सभी हेल्थ की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और आयुष्मान भारत पर 3 लाख मानु के हेल्थ केयर अप टू 5 लाख दिए से। लॉन्गलैंग में 70 करोड़ रुपए से एक बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है। लॉन्गलैंग ने 70 करोड़ बड़ा एक दमोर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अकेले नागालैंड में 1.4 लाख टॉयलेट्स बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अंदर नागालैंड ने 1.4 लाख टॉयलेट सब नागालैंड में बना बोले तो काम खत्म हो जाए से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55,000 से ज्यादा लोगों को घर देने का काम समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ला अंदर 55,000 मानुगे खोर डिबुले लगा काम इत भी खत्म हुई से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,10,000 किसानों को फार्मर को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लगा अंदर होता है मानु 6,000 तहन ला अकाउंट है होता है साल आएगी ना इतुला काम भी कुरिया से। 3 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स निर्माण की प्रक्रिया में है। 3 द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हन भी इजा पोनावले लगा दे रास्ता दे से। 120 एकड़ भूमि में 20 मेगावाट के ग्रीन फील्ड
और सौर ऊर्जा संयंत्र इसने निर्माण शुरू कर दिया है। 120 एकड़ लगा जगह दे 20 मेगावाट लगा सोलर पावर लगा इट विल बी बनाई दिखना से। यहाँ पर दोयांग हाइड्रो पावर स्कीम में सी प्लेन से वाटर एरोड्रम की परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। दोयांग हाइड्रो पावर लगा जगह दे सी प्लेन ब्रा जब बोले लगाई तो प्रोजेक्ट करने भी अप्रूवल दिखना से। मित्रों हमने और एनडीपीपी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ढेर सारी बातें कही है, इसका जिक्र मैं करना नहीं चाहूंगा, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि मेरे साथ ईएनपीओ के साथियों ने जो बातचीत करी है और जो एग्रीड चीजें तय हुई है वो हर एक चीज को पूरी करने का आश्वासन हमारी भारत सरकार का है। हमने उनको कहा है कि ईएनपीओ की सभी फीलिंग्स को हम चर्चा कर जमीन पर उतारने का काम करेंगे। सतीहन इजा एनडीपीपी और बीजेपी ब्रा मैनिफेस्टो दे खोता मिशी को गिना से इतुहन सब खोता से उल्वे अजीब वो खोता दिवले मोना से इजा ईएनपीओ लोग की खोता डिस्कशन करी से इतु एकता खोता भी नचा लगी की खोता उसी इतु दो पार्टी ने पहुंचाए लगी ना ठीक प्रा पूरी बोला लगा अपने अंगे कमिटमेंट दिए से। अंत में मैं एनडीपी बीजेपी के नौ प्रत्याशियों को आप जिताए ऐसी अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।